छत्तीसगढ़ का ये पहला कॉन्सेप्ट है जी, जिसमें हमने प्रयास किया है कि पूरा 2BHK का सेटअप बनाया हुआ है जी। 2BHK में आप अपने घर पे क्या क्या दिखा सकते हैं, क्या क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको क्वालिटी दिखाने के लिए। यहाँ पे इस पूरे शोरूम में जब आप अभी आप आए होंगे, आप देखेंगे कोई भी चीज सेल करने के लिए नहीं है कम जगह। ये आपका कवर्ड हो गया जी, ये स्लाइडिंग वाला है, स्लाइडिंग वाला इसमें पैनलिंग लगी हुई है। आजकल लोगों के पास जगह नहीं है, जगह नहीं है तो उसके लिए एक हमारे पास ये है। अच्छा, ये क्या? अरे हिडन ड्रेसिंग है, हर चीज के लिए अलग अलग पैसा नहीं है, एक मुश्त तो एक बार में बस चीजें हो जाएगी, तो उसको कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे अलग से। और कुछ काम होते तक उसको ये नहीं ऐसा लगेगा कि अरे मुझसे 10,000 और ले लेंगे क्या, 1,00,000 और ले लेंगे क्या, कुछ नहीं। फिक्स प्राइस में मैंने कोटेशन दिया है कि भाई इतने में मैं आपका काम करूंगा, उतने में उसके घर का काम पूरा हो जाएगा। ये बीकर बास्केट है यहाँ पे जी, महिलाओं को ये बहुत जरूरी होता है। इसमें आपका प्याज लहसुन अदरक जो चीजें बाहर रखने की हैं, बिल्कुल हवा में रखने की चीजें, हवा में रखने वाली जो चीज की। यहाँ पे जब आप दिविजय इंटीरियर में आएंगे जी, तो ए से लेके जेड जी सब कुछ आप, यानी कि उस रूम में लगने वाला सारा सामान आप करेगा, पंखा से लेके लाइट और लाइट से लेके तकिया पलंग गद्दा सब। यहाँ पे सोफा भी है, बेड भी बन जाता है जी, बेड बन जाता है, सोफा कम बेड है। ये भी आप लोग इंटीरियर खुद ही करते हैं जी? जी, सब चीज फर्नीचर में जो भी चीजें हैं, अरे वाह, सब खुद की बनाई हुई है आपके। फुल्ली कैलिब्रेटेड बेड जी, खोखला नहीं है ये। अच्छा, चारों तरफ से ये पैक है, बीच में इसके पार्टीशंस है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। चूहे तो नहीं आते ना? चूहे वगैरह नहीं आते सब, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहानी घर घर की होगी जी। जो भी चाहिए होगा हम फाइनेंस कर सकते हैं इंटीरियर में, टीवी फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सुना था फाइनेंस। हाँ, इसमें हाँ, भी होता है जी जी, इंटीरियर में सब चीज। आपको किचन बनवाना है, मैं पूरा किचन फाइनेंस करके आपको दे सकता हूँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मैं यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और इस वीडियो को दीदी माताओं और हमारी घर की जो महिलाएं होती है उन्हें जरूर देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इन तीनों कैटेगरी की महिलाओं को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो होम मिनिस्टर हैं जो घर चलाते हैं, जो घर के फैसले करते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो उनको जरूर देखना चाहिए। इंटीरियर के नाम पर इन दिनों देश भर में जो है लूट मची हुई एक तरह से। हर कोई अपने आप को इंटीरियर डिज़ाइनर बताता है, हर कोई आपको सजेशन देने लगता है कि ये ऐसे इंटीरियर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये प्रोडक्ट लगना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आज हम इसीलिए दिविजय इंटीरियर में मौजूद हैं, लोगों का भ्रम दूर करने के लिए, लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, और इन दीदी माताओं बहनों को क्लैरिटी देने के लिए कि आपको अपना घर कैसे सुंदर दिखाना है, क्या लुक ला सकते हो, इंटीरियर में क्या कर सकते हो। तो आपके काम का ये वीडियो है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, कितना खर्चा आता होगा, ये कैसे तैयार होता है, कितना टाइम लगता है, अगर आपको इंटीरियर कराना होगा तो कहाँ जाना होगा। तो इसी सब बातों को लेकर जो है आज हम पहुँच चुके हैं जामुल में दिविजय इंटीरियर, और दिविजय इंटीरियर जो है ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, भिलाई का लोकल कंपनी है, बहुत शानदार इनका वर्क है। और तुषार वर्मा जी मेरे साथ है, करता धरता है। तुषार जी, मैंने जो कहा कि भिलाई के अपने लोग हो आप लोग जी, जी। दुर्ग जिले के रहने वाले हो, छत्तीसगढ़िया लोग हो सब लोग जी, जी, सब लोकल है, सब लोकल लोग हैं जी। तो आज ना एक कंफ्यूजन दूर करना है कि इंटीरियर पे हम बात करेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि भाई लोगों को समझाना है कि कैसे हम अपना घर सुंदर दिखा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के माध्यम से। तो आप मुझे बताइए, आप मेरी मदद करिए कि कैसे हम अपना घर को सुंदर और बेहतर दिखा सकते हैं आज के दौर में, उस दौर में जब इंटीरियर के नाम पर एक माहौल बना हुआ है, एक मार्केट में एक अलग सा बूम आया हुआ है इंटीरियर, हर कुछ ज्यादा इंटीरियर कराया अपना जी, जी, जी। साथ ही साथ बूम के साथ साथ लूट भी मची हुई है। अच्छा, मैंने लूट पहले, हाँ, लूट आपने नहीं कहा कि इंटीरियर के नाम पे लूट भी मची हुई जी 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 जी। पहले तो मेरा नमस्कार, मैं तुषार वर्मा दिविजय इंटीरियर से जी, और भिलाई टाइम्स के जो जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं भिलाई टाइम्स, जो वॉच करते हैं उनको भी धन्यवाद। आपने भिलाई टाइम्स को इतना प्यार दिया, भैया को इतना प्यार दिया, तो दिविजय इंटीरियर को भी प्यार दीजिएगा। बिल्कुल प्रॉपर मैं पहले बात करना चाहूँगा सर कि दिविजय एक्चुअली में है क्या जी। तो हाँ, नाम दिविजय बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लगता है मुझे, मतलब रेयर नाम है दिविजय। तो उसका नाम के पीछे कॉन्सेप्ट है, ये भतीजी का नाम है, ये एक पर्सन का नाम है जी, और इसका मतलब होता है माता लक्ष्मी जी, जी दिविजय का नाम जो मतलब, और हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी उनके घर में रहे, उनके निवास में रहे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो नाम है उसी पे गया है कि माता लक्ष्मी जब घर पे आए जी तो घर अपने आप में ही सज जाता है, जब लोगों के पास धन की कमी, पूरी कवायद इसी के लिए होती है। बस 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 जी, तो वहीं से शुरू किए हैं जी। और जब हमारा घर का इंटीरियर हुआ था, बड़े भैया का हमारे घर का जब इंटीरियर हुआ था, तो उन्होंने देखा था कि बहुत ज़्यादा मार्जिन में उन्होंने पाया कि लूट बहुत है, मतलब पैसे भी ले रहे हैं प्लस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी नहीं है।
अच्छा, ये इंटीरियर में ऐसा होता है कि भैया कोई ठेकेदार आता है, इंटीरियर डिजाइनर आता है और देखता है कि भैया इतना खर्चा आएगा, इतना होगा जी, और आदमी पैसा दे देता है जी जी, ये लो भैया कैसा करके जी जी। अभी क्या चल रहा है, आप लोग कैसे करते हो? हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले तो हम लोग भी कोटेशन ही देते हैं जी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अलग है जी। हम पहले ही आपको ये बता दे रहे हैं, मैं बता देता हूँ, हमारी एक्शन टेसा की डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा ये होता है कि हमारा माल बल्क में आता है, तो बल्क में आने के कारण जब क्लाइंट को हम सर्व करते हैं जी, तो उसका भी कॉस्ट कम होता है। बिल्कुल, तो ये इंटीरियर मुझे लगता है कि बेडरूम वाला लुक दिया आपने, बेडरूम वाला लुक है सर। और छत्तीसगढ़ का ये पहला कॉन्सेप्ट है जी, जिसमें हमने प्रयास किया है कि पूरा 2BHK का सेटअप बनाया हुआ जी। 2BHK में आप अपने घर पे क्या क्या दिखा सकते हैं, क्या क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको क्वालिटी दिखाने के लिए। यहाँ पे इस पूरे शोरूम में जब आप अभी आप आए होंगे, आप देखेंगे कोई भी चीज सेल करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं क्वालिटी दिखा रहा हूँ कि हम किस क्वालिटी में काम कर सकते करते हैं और दिखा काम कर रहे हैं बस बस जी। तो होता क्या है, 70-30 का हमारा जो है रेशियो होता है जी। ये सारे प्रोडक्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनते हैं जी, बनने के बाद फिर घर में जाके असेंबल होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बनना शुरू होता है तो हमारे क्लाइंट को फोन जाता है कि भाई आपका प्रोडक्ट बनना चालू हो गया, अगर आपको क्वालिटी अश्योर करना है आप बिल्कुल फैक्ट्री में आके देख सकते हैं। आपकी फैक्ट्री भी है? बिल्कुल, फैक्ट्री भी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बिल्कुल, कि हमने देखा जब हम खुद इंटीरियर करवा रहे थे तो वो स्क्रू कहीं और से ले रहा है, फिर लकड़ी कहीं और से ले रहा है, प्लाई कहीं और से ले रहा है, गद्दे कहीं और से ले रहा है। हमको समझ में आया इससे क्लाइंट का ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। उस समय तो हम क्लाइंट थे, बिल्कुल हमारा ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। तो हमने क्या किया, ये इसका एक स्लोगन है कि वन स्टेप फॉर ऑल इंटीरियर सॉल्यूशंस। उसका कारण ये है कि यहाँ पे जब आप दिविजा इंटीरियर में आएंगे जी, तो ए से लेके जेड सब कुछ आपको, यानी कि उस रूम में लगने वाला सारा सामान आप करेगा, पंखा से लेके लाइट और लाइट से लेके तकिया पलंग गद्दा सब जी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम वहाँ पे इंटीरियर कर रहे हैं तो आपका टेंशन है, बस वो हमारा टेंशन है, सामने वाले का कोई टेंशन। इस बेडरूम में ऐसा क्या आप लोग ने किया है इंटीरियर जो लोगों को बताना चाहिए? मतलब इस बेडरूम में देखो, बेडरूम बहुत कॉमन होता है कि एक बेड होता है और कुछ कबर्ड होते हैं, अलमारी होता है, सोफा होता है जी। आप लोगों ने इस कम स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया ये बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं जी, वो एक्शन टेसा पे होता है जी, और जो नामी गिरामी जो कंपनियां होती है उस पे जाते हैं, प्रीमियम क्वालिटी पे हम जाते हैं जी। और फायदा ऐसे पहुंचाते हैं कि हम बल्क में ले रहे हैं तो कम कॉस्ट में कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये फुल्ली कैलिब्रेटेड बेड जी, खोखला नहीं है ये। अच्छा, चारों तरफ से ये पैक है, बीच में इसके पार्टीशंस है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। चूहे तो नहीं आते ना? चूहे वगैरह नहीं आते सब, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहानी घर घर की होगी, सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी से है तो लोग चूहे से है बिल्कुल, और डरते भी है भैया। इंटीरियर करने के पीछे लॉजिक भी होते भैया, इंटीरियर ऐसा कराओ कि चूहा ना आए, बिल्कुल, और चूहा आ गया आपके इंटीरियर के बीच में तो यानी कि वो बर्बाद हो गया बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, किचन वगैरह भी हम उसी कॉन्सेप्ट में बनाते हैं जी, कि जिसमें दीमक और जो है चूहों का आतंक ना हो, तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट में बना है। पहली चीज आप कुशनिंग वगैरह देखेंगे, जो हमने जो बीट्स लगाई है, एक एक चीज एकदम बारीकी से जो है इंटीरियर हमने इस पे काम किया हुआ है, बिल्कुल फिनिशिंग। लोग सीपेज से परेशान होते हैं घर पे, हाँ, तो हमने क्या किया, जब ये पैनलिंग करते हैं जी, तो इसमें लगभग 30 mm ये दीवार से दूर है। अच्छा, बीच के स्पेस है, बीच में स्पेस है, तो दीवार के पीछे अगर पानी भी बहता रहेगा ना, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है ये 2500 साल ऐसे ही रहेगा। अरे वाह, ग्रेट। और हम लोग कलर कॉम्बिनेशन में भी जब जाते हैं तो ये चूज करना बड़ा टफ होता होगा, बहुत टफ होता है, आपको क्लाइंट को भी मैनेज करना है, आपको अपनी पसंद भी होती होगी जी जी जी, वो है। दूसरी चीज क्या होता है, जब हम कलर पे जाते हैं तो हम एक चीज समझते हैं कि जितना सोबर लाइट इंटीरियर का काम वही है, बहुत तड़केला तड़केला नहीं, लाल पीला नीला हम लोग जब काम करेंगे तो हो सकता है शुरू में क्लाइंट को लगे कि यार बहुत सिंपल है, लेकिन एक समय के बाद वही लेविश लगता है बिल्कुल, सिंपल चीजें ही सुंदर लगती है। आपका सोफा भी है, बेड भी बन जाता है जी, बेड बन जाता है, सोफा कम बेड है ये भी आप लोग इंटीरियर खुद ही करते हैं जी जी, सब चीज फर्नीचर में जो भी चीजें हैं, अरे वाह, सब खुद की बनाई हुई है। आपके घर गेस्ट आ गए एक्स्ट्रा तो, या फिर आपके पति और पत्नी की लड़ाई हो गई तो अलग अलग सुना है तो उसके लिए डोंट माइंड पति पत्नी हो, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो इसमें आप सोफे में भी देखेंगे, हमारा आम की लकड़ी से फ्रेम बना के बीच में गद्दा वाला काम नहीं है, प्रॉपर ये प्लाई है फुल्ली कैलिब्रेटेड वाला जी, उसके ऊपर सेंचुरी का हमने गद्दा लगाया हुआ है बिल्कुल। इवन जो हम कपड़े भी जो यूज करते हैं जी, वो भी लगभग 1.5 लाख मर्चेंडाइज के होते हैं, कि कंपनी कहती है कि आप इसको 1.5 लाख बार भी रगड़ोगे ये खराब नहीं होगा,
डेढ़ लाख बार। हाँ तो मतलब आपका जीवन तो निकल गया, 365 दिन होते एक साल में। हाँ हाँ तो उतना तो जो है वही गारंटी, वही क्वालिटी है, वही क्वालिटी। हार्डवेयर की भी हमारी क्वालिटी और गारंटी होती है। बिल्कुल, एक लोगों के मन में सवाल रहता है, और जब लोग फर्नीचर खरीदने जाते हैं तब ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि भैया लकड़ी क्या है जी? आप तो आपके यहाँ जो यूज करते हैं लकड़ी, जो वो लकड़ी कैसी होती है, क्या होती है क्वालिटी? मैंने पहले बताया, एक तो फुल्ली कैलिब्रेटेड है जी। फुल्ली कैलिब्रेटेड क्या होता है कि वो लकड़ी हमारी बेंड नहीं होती। हाँ। हम मशीन पेस्टिंग करते हैं। मशीन पेस्टिंग मतलब ये जो आप प्लाई देख रहे हैं जी, इसके ऊपर ये जो माइका लगी है ये हाथ से पेस्ट की हुई नहीं है। ये 50 टन का कोल्ड प्रेस का हमारे पास मशीन है। अच्छा, तो क्या करते हैं उस प्लाई को माइका को जो है ग्लू करके चिपकाने के बाद 24 घंटे के लिए 50 टन का लोड देके छोड़ देते हैं। तो इस पे कभी लाइफ में बबल नहीं आएगा। बिल्कुल, प्लस ये उसकी बॉडी बन जाएगी अपने आप में जी। तो अगर वो प्लाई मेरा बेंड रहा जी, वो क्लाइंट का बाद में नुकसान है, पहले मेरा नुकसान है। अगर वो प्लाई मेरा बेंड रहा, मेरी माइका फट जाएगी बीच से, वो मशीन जो है उसको टेक्निकल पार्ट, इसको आप लोग ज्यादा अच्छे समझते हो। मशीन आम आदमी थोड़ा सा लेट में समझेगा, मैं थोड़ा लेट में समझूंगा ये क्या सन माइका, क्या प्लेट, क्या टन, समझ नहीं आएगा। बाकी ये चीजें जो है ये बच्चों के लिए है, ये बंक बेड है बच्चों के लिए। यहाँ से एक स्टेयर होता है और यहाँ पे छोटी सी कवरिंग होती है ग्रिल जैसा, कि उधर का कोई सो रहा है तो गिरे ना। बिल्कुल, और ये बंक बेड के अलावा इसको हम लोग जैसे कोई गेस्ट रूम है 2BHK अगर फ्लैट है जी, तो वहाँ पे भी हम रखते हैं कि गेस्ट रूम में रह जाए, ऊपर गेस्ट हो जाए, नीचे गेस्ट हो जाए। बिल्कुल, कम जगह। ये आपका कबर्ड हो गया जी, ये स्लाइडिंग वाला है, स्लाइडिंग वाला इसमें पैनलिंग लगी हुई है। आजकल लोगों के पास जगह नहीं है, जगह नहीं है तो उसके लिए एक हमारे पास ये है। अच्छा, ये क्या? अरे हिडन ड्रेसिंग है, इसको आप कह सकते हैं, हार्डवेयर है। तो अगर जगह नहीं है ड्रेसिंग के लिए तो हम क्या करते हैं कि ये हार्डवेयर लगा देते हैं, उससे उनका वार्डरोब भी हो गया, ड्रेसिंग भी हो गई, कम जगह। बढ़िया, 2-in-1। और कम जगह में कैसे ज्यादा चीजों को यूटिलाइज की सकते हैं, तो ये हार्डवेयर भी आप ही लोग बनाए होंगे इसके? जी, मतलब जी, ये जो तकनीक की जो खोज की, ऑफ मार्केट होता है। हाँ। बट सब की कंपनियां हमारे साथ मर्ज है। अच्छा जी, जितनी भी जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उनकी कंपनियां हमारे साथ मर्ज है ऑलरेडी। बिल्कुल, तो ये चीजें भी देखनी। अच्छा। जी, ये आपका चेन वगैरह, अंगूठी वगैरह रखने के लिए यूटिलिटी, लॉकर वगैरह भी बना देते हैं। लॉकर वगैरह, तो वार्डरोब भी हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, फर्नीचर में आपका जैसे किचन वगैरह भी। किचन हमारा, बोल रही होंगी भैया कि आप बात किचन नहीं कर रहे, लेकिन किचन पे बात ही नहीं कर रहे हो। जी जी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, कई लोग इंटीरियर के नाम पे सिर्फ किचन बस को इंटीरियर कराते हैं। जी जी, हम हमारा सिर्फ इंटीरियर किचन कर दो, ये भी कराते हैं जी। तो इसके बारे में बताइए कि किचन में कितना टाइम लगता होगा, कितना खर्चा आता होगा, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को, ये भी आप बता दीजिए। देखिए, कम से कम 30 डेज चाहिए होता है किचन के लिए, 30 दिन। उससे पहले अगर आपको कोई भी बोल रहा है, आप, मैं ये नहीं कहता आप दिविजय से ही काम कराइए जी, मैं ये कहता हूँ इस वीडियो के थ्रू लोगों को कुछ सीखने तो मिले। बिल्कुल, हमारा अगर पहले, हाँ, उससे पहले अगर कोई बोल रहा है कि मैं करके दे दूंगा, मतलब वो खराब क्वालिटी में करके देगा। कम से कम 30 दिन लगेंगे? कम से कम 30 दिन चाहिए जी। क्यों? पहले जैसे हम लोग जिस पैटर्न में काम करते हैं, हम पहले पूरा मार्क करेंगे, कोटेशन देंगे, कोटेशन में जब क्लाइंट एग्री होगा, फिर कलर सिलेक्शन होगा, डिजाइनिंग होगी, उसके बाद फिर जो पार्टीशंस लगेंगे उसका होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा, वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है जी। उसकी वजह से ये फिनिशिंग आ पाती है, फिनिशिंग आ पाती है वाकई में। तो ये किचन में ऐसा क्या है इंटीरियर जो महिलाओं को दिखना चाहिए, उनके काम? मैं आपको एक बेसिक चीज दिखाता हूँ जो अभी के समय में सबसे ट्रेंडिंग है, ये फ्रिज है, ये पेंट्री यूनिट है। अच्छा, इसको आप ड्राई फ्रिज बोल सकते हो। ड्राई फ्रिज, तो ये ऐसा है कि जो सूखे आइटम है जी, हमारे घर का फ्रिज ज्यादातर भरा रहता है आपका, मतलब सॉस, खाने की सारी चीजें रहती, पूरी खाने की चीज, सूखा गीला सब रहता है, सब रहता है। हाँ। तो वो ना हो के ये ड्राई फ्रिज है। हाँ। इसमें आपको रख सकते हैं। अच्छा, सारी सामान को। कोई मशीन भी लगाया क्या इसमें? इसमें ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर। तो ये जब जैसे आप देखेंगे फ्रिज जैसा मैकेनिज्म है, जब ये अंदर जा रहा है, एक नजर में देखती फ्रिज लगा मुझे, बस 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 ये वैसा ही है। बिल्कुल, ये आपका लेकिन जगह मतलब बचा लेगा, बहुत जगह बचा लेगा, बचा ये लेगा। अपने आप में अलमारी भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है जी। इसके साथ जब अंदर जाएगा तो स्पेस भी कम खा रहा है जी। ये मतलब आपका ये किचन भी इसमें आ गया, एडजस्ट हो गया ये। बिल्कुल, किचन में एडजस्ट हो गया, दिखने में भी अच्छा है जी, पूरा यूजफुल है। ये सब चीजें आपका बर्तन रखने, बर्तन रखने के लिए ये टेंडम बास्केट कहते हैं, मार्केट में अभी यही ट्रेंडिंग में है। पहले जाली वाला आता था, अभी भी लगाते रखते थे। हाँ हाँ हाँ, तो अभी भी जाली वाला आता है, बट हम लोग वो सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होता है, पानी जब अंदर आप इस पे सामान रखे हैं, हाँ, अगर वो गीला है तो उसका पानी नीचे गिर रहा है। हाँ, आप नीचे एक्सेस नहीं कर सकते, सफाई, हाँ, नहीं कर सकते, कॉकरोच आएगा। हाँ, टेंडम में क्या होता है, जब आप इस पे सामान रखे हैं, पूरा पानी इसी में ही है, और हाँ, ये HDHMR है। हाँ, हम जो यूज करते हैं हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेसिस्टेंस, एक बोर्ड होता है ग्रीन कलर का, HDHMR एक्शन टेसा का। तो वो क्या होता है, वो वाटर प्रूफ है जी, टर्माइट प्रूफ है,
प्लस उसमें जो ये है अपना कॉकरोच है वो नहीं आता। अच्छा, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो तीन चीज से लोग परेशान है, महिलाएं जो है किचन में तीन चीज से परेशान है, वो तीनों चीज इसमें नहीं है। बिल्कुल, चूहा, कॉकरोच और दीमक। दीमक, ये बिल्कुल। और तो ये टेंडम वाला एरिया हो गया, ये बीकर बास्केट है यहाँ पे जी। महिलाओं को ये बहुत जरूरी होता है, इसमें आपका प्याज, लहसुन, अदरक जो चीजें बाहर रखने की हैं, बिल्कुल हवा में रखने की चीजें, हवा में रखने वाली जो चीजें हैं, आलू प्याज लहसुन उसके लिए हो गया। बिल्कुल, और क्या चीजें? और फिर ये दो बेसिक टेंडम होते हैं, ये थाली प्लेट वाला, ये तो बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी थाली रखने वाला। बिल्कुल, तो इसमें भी आप देखेंगे ये शीट लगी हुई है, बिल्कुल, और HDHMR बोर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें सबसे आप इम्पोर्टेंट बात बताइए मुझे कि बजट देखिए पैसा कितना लेते होंगे आप लोग सब करने का, बनाने का। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मुझे इस काम को करने में इसलिए खुशी हो रही है, लोग आपको एक टोकूंगा, लोग ना डरते हैं इंटीरियर करने से, बोले भैया पैसा बहुत लगता है, बहुत लगता है, और हो सकता है कि उनके घर का बजट उस मतलब 3-4-5-6 महीने का बजट गड़बड़ा जाए इस इंटीरियर के चक्कर में। तो आप आम आदमी को बताइए कि क्या वाकई में ये धारणा जो बनी लोगों के मन में कि बहुत पैसा लगता है, वो वाकई में पैसा लगता है, और लगता है तो कितना लगता है ये भी बता दीजिए। देखिए, पैसा जो लगता है जी, उसके दो ऑप्शन है हमारे पास जी, कि हम मीडियम वे में काम करें और हाई वे में काम करें। आपको पहले समझना होगा आपको क्या चाहिए, बिल्कुल क्या चाहिए, बाकी हमारे पास फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, जो भी चाहिए होगा हम फाइनेंस कर सकते हैं। इंटीरियर में टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सुना था फाइनेंस, हाँ, इसमें हाँ, भी होता है जी जी। इंटीरियर में सब चीज, आपको किचन बनवाना है, मैं पूरा किचन फाइनेंस करके आपको दे सकता हूँ, आप उसको फाइनेंस करवा लीजिए। ये तो बढ़िया है, मतलब बताओ इंटीरियर का काम भी फाइनेंस हो रहा है अपने आप में, ये बड़ी बात है। मतलब हम तो सोचते थे कि इंटीरियर करने वाला आदमी आता है एक बार में 50,000-1,00,000 रुपए लेके जाता है, फिर दूसरी किस्त ले जाता है, फिर तीसरी किस्त मोटी मोटी रकम देता है, तब तक आदमी परेशान हो जाता है कि भैया मोटी मोटी रकम का व्यवस्था कहाँ करें। ऑलरेडी घर बनाते तक जी पैसे खत्म हो चुके होते हैं लोगों के। हाँ हाँ, ये इंटीरियर तो आखिरी पार्ट है, आखिरी पार्ट है, सबसे तक के लिए जरूरी चीज है, इसी के लिए पैसे नहीं बचता जी जी, ये जरूरी चीज है। ढांचा तो आप किसी को दिखाएंगे नहीं, बुलाएंगे तो हाँ, आप अंदर की सुंदरता दिखाएंगे, सबसे पहले किचन ले जाएगा, हाँ हाँ, कि क्या किचन बना हुआ है, क्या बेडरूम है, क्या किचन। इसमें दो ऑप्शन होता है, एक होता है कि हम बॉक्स करके बनाते हैं जी, उसका एक अलग बजट जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं 10 फीट का मैं किचन बना रहा हूं, तो मेरा किचन 50,000 से शुरू हो जाता है। अच्छा, आपके ऊपर है, हाँ, 50 लाख तक बना, 50 लाख बना सकते हैं, 50,000 से लेकर 50 लाख। एक बेसिक किचन में मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे समझ में आ रहा है कि क्लाइंट का बजट कम है लेकिन उसको ऐसा ही दिखने वाला किचन चाहिए जी, मैं बोलता हूँ पत्थर लगा लो जी, वर्टिकल्स लगा लो पत्थर के, उस पर मैं सेम, ये एक्रेलिक शीट है जो आप देख रहे हैं जी, ये स्क्रेच इस पे नहीं लगता, ये जो है इस पे स्क्रेच नहीं लगता, ये वाटर प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है। अच्छा, और अभी के डेट में किचन में ये पत्थर है, अरे वाह, किचन का ही पत्थर है, इसको आप लगा लो, तो काला पत्थर लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, हाँ, इसको आप साफ कर लो, ये ऐसे का ऐसा ही दिखेगा लाइफ टाइम। बहुत एक्रेलिक शीट की यही खासियत है, अंदर भी आप देखेंगे जो हम लोग जो क्वालिटी दे रहे हैं पूरा माइका पेस्टिंग है, फैब्रिक ग्लिटर, हाँ, पूरा माइका पेस्टिंग है, कॉर्नर में भी एज बाइंडिंग हुई है जी, ये भी एक्रेलिक की है। बहुत बढ़िया, तो ये चीजें मतलब 50,000 से लेके 50 लाख तक, 50 लाख तक का है, आपके ऊपर है, आप क्या डिमांड करते हो, हाँ, कैसा चाहते हो जी, कैसा चाहते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे अच्छी बात ये लगी कि भैया फाइनेंस शुरू हो गया है, अब फाइनेंस शुरू हो गया जी। तो कितना, जैसे मान लो 2 लाख का इंटीरियर का काम है जी, उसको कितना डाउन पेमेंट देना होगा? 30% का रेशियो रहता है उसमें, कम से कम 30% देना, कम से कम 30% देना, 1 लाख का हो गया तो 30,000 तो देना ही पड़ेगा जी जी, बाकी 70% फाइनेंस के लिए तैयार है आप लोग जी जी, 70% फाइनेंस हो जाता है जी। और उसमें जो है नो कॉस्ट EMI होता है वो, बिल्कुल जी, पहले ही क्लाइंट को बताना होता है कि भाई मुझे फाइनेंस कराना है जी, फिर कोटेशन बन के कंपनी जाएगा जी, फिर उनको हम बताएंगे कि भाई आपका फाइनेंस हो जाएगा। बिल्कुल, तो ज़्यादा काम आप लोग किनका करते हो, कि जो नए घर बना रहे हैं उनका इंटीरियर करते हो, या फिर जो पहले से घर बने हुए हैं उसको रिनोवेट करना है उनका इंटीरियर करते हो? रेनोवेशन भी करते हैं जी, लेकिन रेनोवेशन में थोड़ा सा कह सकते हैं क्लाइंट के ऊपर डिपेंड ज़्यादा होते हैं जी। जब हम न्यू काम करते हैं क्लाइंट हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है, तो हम क्या करते हैं, जितना अभी मार्केट में जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है वो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास खुद का डिजाइनर बैठा हुआ है जी, सब जगह क्या होता है, पूरी टीम है आपके पास, टीम है मेरे पास डिजाइनर, तो जैसे ही इंटीरियर वाला घुसता है तो लोग सोचते हैं कि यार 4-5 लाख रुपए तो खुद ही का ले लेगा, तो खुद ही हमारे यहाँ कुछ। एक और धारणा है लोगों का कि इंटीरियर डिजाइनिंग बस करने का, यानी कि सिर्फ डिजाइन बनाने का ही, नक्शा बनाने का ही जी पैसा हाई फाई लगता है। बिल्कुल बिल्कुल लगता है, लगता है। हमने उसी कॉन्सेप्ट को चेंज किया है। हमने क्या किया कि प्रॉपर आपको एक एक प्रोडक्ट का हम प्राइस बताएंगे। जैसे ये मंदिर है जी, अब इसका मैं आपको एक प्राइस दे दूंगा कि भाई इसको मैं इतने में बेच रहा हूँ, आप समझिएगा हाँ। मैं होलसेलर नहीं हूँ जी, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट की सुविधा के लिए अगर मैं सोफा दे रहा हूँ उस सोफे का एक प्राइस दे रहा हूँ जी। कारपेंटरी से जब आप कराते हैं तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि भाई आप सामान ले आओ, उसमें 30% हमारा है हाँ। हमारा वो चीज़ ही नहीं है, सीधा सीधा एक फिक्स प्राइस है,
और उसमें भी हम मैक्सिमम अपना मार्जिन लेके जाते हैं 10-12%, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी हमारी बड़ी है। बिल्कुल, कारपेंटर महीने में एक साइट कर रहा है, महीने में 10 साइट कर रहे हैं, तो क्योंकि टीम है ना आपके पास, सब कुछ मेंटेन कर रही है, और हर चीज के लिए अलग अलग पैसा नहीं है, एक मुश्त एक बार में बस चीजें हो जाएगी, तो उसको कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, अलग से कुछ काम होते तक उसको ये नहीं ऐसा लगेगा कि अरे मुझसे 10,000 और ले लेंगे क्या, 1,00,000 और ले लेंगे क्या, कुछ नहीं। फिक्स प्राइस में मैंने कोटेशन दिया है कि भाई इतने में मैं आपका काम करूंगा, उतने में उसके घर का काम पूरा हो जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि इंटीरियर का पूरा वन सिंगल विंडो, बस बस एक ही जगह पे सब समाधान है। जी जी, सब समाधान है। आपको डिजाइनर यहाँ मिल जाएगा, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, कहीं अलग से कोई फर्नीचर दुकान जाने की जरूरत नहीं है। कोई रेफरेंस में आप अगर क्लाइंट इमेज रखा हुआ जी कि भाई मुझे ऐसा टीवी यूनिट चाहिए, हम एज इट इज सेम बना के दे सकते हैं, डिजाइन लेके आ जाए बस। हाँ, वो डिजाइन लेके आ जाए। कि भैया हम वो पिक्चर में देखे थे, बस, बस, वो बस। सीरियल में ऐसा देखे हैं, वो फलाना घर ऐसा देखे हैं, तो फोटो भी खिले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसा आप बना देंगे, एकदम एज इट इज हम बना देंगे, बल्कि उससे सुंदर बना देंगे। हाँ, तो अपन कोशिश करते हैं हम उसे कैसे अच्छा। हमारे पास और टेक्निकल लोग हैं, तो हम क्लाइंट को और बताएंगे कि इसमें और क्या आप अच्छा कर सकते हैं, और क्या अच्छा हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्सपर्ट की टीम इनके पास में, तो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे बात करके, बहुत शानदार, क्योंकि आपने जो चीजें बताई और एक अच्छी चीज बताई कि आप बजाज फाइनेंस करा सकते हो, ये बहुत काम भी खबर है मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी लोग के लिए, कि हम लोग सोचते घबराते भैया इतने कैसे करा पाएंगे, तो हम तो जिंदगी भर हमारी फाइनेंस से निकल गई है, आगे भी चलते रहेगी, दिक्कत है। और हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए, और दिविजा इंटीरियो से लेकर संबंधित कोई सवाल हो, या फिर इन एक्सपर्ट से लेकर कोई सवाल हो कि भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कुछ भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स कर दीजिए। इनका नंबर हम लगातार डिस्प्ले पे भी चलाए हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पर भी इनके नंबर डले हुए हैं, भाई साहब मिलेंगे, भाई साहब से मुलाकात हो जाएगी। भाई साहब एक बार अपना परिचय फिर से दे दो, आप अपने बारे में बता दो कि आप क्या क्या कोर्स किए हो, क्या क्या पढ़ाई लिखाई की हो। मैं तुषार वर्मा हूँ जी, और यहाँ का ये जो सेटअप है जी, ये मैं ही संभाल रहा हूँ, तो जब आप आएंगे जी, तो फाइनल जो आपके साइट का मेजरमेंट होगा, या फाइनल मैं ये कह सकता हूँ डिजाइनिंग होगी, वो मेरे से ही होके गुजरेगी, मैं ही करूंगा। और उससे पहले चाय भी पिलाएंगे आपको, उसके बाद आगे की बात शुरू होगी। कॉफी पिलाएंगे, चाय कॉफी पिलाएंगे, उसके बाद आगे की बातचीत शुरू होगी। और तुषार भाई से मिलिएगा आके, और कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए हुए हैं, संपर्क कर सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त, बेझिझक लगा लीजिए, कोई भी मन के सवाल सब कुछ पूछ लीजिए। इंटीरियर का पार्ट जरूरी था आपको बताना, कि बहुत सारे सवाल मेरे भी आज क्लियर हो गए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, आगे दया मैं धरे रहूं।